अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे अरे हम अरे हम परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं। वंदे गुरु परम वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए पहले तो। यस, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को एक हमारा क्रम चल रहा है, प्रेक्षा ध्यान से संबंधित एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है और बहुत सी बातें हम नई नई बातें जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। आज का जो टॉपिक रखा गया है, मंत्र और ध्वनि। आप सबको पता है प्रेक्षा ध्यान में 8 मुख्य अंग बताए गए, उसमें मंत्र प्रेक्षा भी आता है और ध्वनि हमारा जो है सहायक अंग में आता है। तो मंत्र और ध्वनि में आपस में भी बहुत गहरा संबंध है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और प्रेक्षा ध्यान में इसका महत्व कितना ज्यादा बताया गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में हम उस प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरम के साथ मंजू जी का स्वागत। वेलकम मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम सभी को ओम अरहम सुप्रभा। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। ध्यान का सहायक अंग है ध्वनि, साउंड। कल्पना करिए, अगर इस संसार में शब्द नहीं होते तो क्या? शब्द होते ही नहीं, मैं चाहूंगी कुछ सेकंड सभी सोचे, अगर शब्द नहीं होते तो क्या होता? क्या हमारा आपस में व्यवहार होता? एक दूसरे को जान पाते, एक दूसरे को कुछ बता पाते? भीतर सब कुछ होता, लेकिन शब्द नहीं होने से बाहर कैसे आता? शब्द नहीं होते तो यकीन करिए इस दुनिया की रचना भी संभव नहीं थी। इसलिए उपनिषदों में तो कह दिया गया, शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्मा जो इस सृष्टि को बनाते हैं, निर्माण कर, तो बिना शब्द के सृष्टि की कल्पना ही संभव नहीं है। और शब्द क्या है? ध्वनि का संग्रहित है ना, आवाज, ध्वनि। बहुत सारी ध्वनियां होती हैं, उनका अपना अलग अलग प्रभाव है, पर ये हम डेली लाइफ में अनुभव भी करते हैं। हम जब शांत होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उदास भी हैं, खुश हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, हम संगीत सुनते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, पर केवल ध्वनि ही सुने, चाहे वो कोई शब्द न हो, कोई गाना या भजन न हो,
केवल ध्वनि ही सुनते हैं तो हमें हमारे माइंड को क्या करता है, एक तरह का अलग आनंद आता है। और वहीं शोर सुनते हैं इतना सारा, बहुत ज्यादा शोर चारों तरफ हो रहा है तो हमारे ब्रेन को इरिटेट भी कर देता है, हम बिल्कुल अनइजी भी अनरेस्ट हो जाते हैं। ये शोर क्यों, क्या शोर में कुछ स्वाद लग रहा है आपको, कुछ फर्क लगता है, केवल आवाज ही तो है, फिर भी सोचिए हमें कितना प्रभावित करती है। और विज्ञान कहता है अगर ये शोर इसी तरह बढ़ता रहा वातावरण में तो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी बहरी हो। और आजकल प्रयोग चल रहा है कि ये जो शोर है यानी ये जो साउंड एनर्जी है, ऊर्जा का स्वभाव एक दूसरे में बदल जाती है, तो हम क्यों नहीं इस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दें और उसका उपयोग करें। ऐसी खोज अभी चल रही है, रिसर्च चल रही। तो अगर मैं कहूं ध्वनि क्या है तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। कैसी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऊर्जाएं दो प्रकार की होती है, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थित मतलब जिसमें संभावना है कार्य करने की, ऊर्जा की परिभाषा होती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहती है, एनर्जी कहती है। तो बहुत प्रकार की ऊर्जाएं हैं, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, अनेक अनेक तरह की ऊर्जाएं हैं। पता है हमारा जीवन कैसे चल रहा है, इन्हीं ऊर्जाओं के कारण इस जीवन में कार्य हो रही है। एक ऊर्जा दूसरी में बदलती है, दूसरी तीसरी में, और इस तरह से ये जीवन, ये संसार चल रहा है। हमारा शरीर भी इसका अपवाद नहीं है। एक ऊर्जा हमारे शरीर में भी क्या, आप देखिए लाइट ऊर्जा है, आंखें देख रही है ना, और कौन सी ऊर्जा है, साउंड ऊर्जा, कान सुन रहे हैं, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, आपके शरीर में विद्युत है जिससे आपका शरीर, आपका हर ऑर्गन पंप कर रहा है, केवल हार्ट पंप नहीं कर रहा है, सारे ऑर्गन में जो पंपिंग है, जो वाइब्रेशंस है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा। इसके अलावा केमिकल्स, केमिकल ऊर्जा, हमारे शरीर में जो ऊर्जा स्टोर रूप से है, ऑक्सीजन ले रहे हो, भोजन ले रहे हो, सब तो केमिकल है। और ये ऑक्सीजन भोजन मिलके शरीर में केमिकल ऊर्जा बनाते हैं जो स्टोर है हमारा, और यही केमिकल ऊर्जा फिर दूसरी ऊर्जाओं में बदल के हमारे शरीर को चला रही है। तो ये शरीर क्या है, केवल एक ऊर्जा दूसरे में बदल रही है और काम हो रहा है। अब प्रश्न होता है ये जो ध्वनि है इसका क्या काम है, क्या है ध्वनि, ऊर्जा है, ये ऊर्जा कैसे पैदा होती है, कंपन से। जब पौद्गलिक परमाणुओं में कंपन होता है तो ऊर्जा पैदा होती है, ऐसा विज्ञान का मत है। और एक बात और, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, ऐसे आवाज नहीं सुनाई देती। अगर एक कमरा है, यहाँ अगर आप सारी हवा बाहर निकाल दो पंप के द्वारा, वैक्यूम कर दो, तो आप कितना ही जोर से बोलो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। इस ब्रह्मांड में अनेकों आवाजें हो रही हैं, ऐसी ऐसी आवाजें, लेकिन हमारा कान सारी आवाजों को नहीं सुनता है। क्यों, क्योंकि हमारा कान केवल एक यंत्र है, वो उतनी ही आवाज सुनता है जितनी इसकी कैपेसिटी है। ये 20 हर्ट्ज एक इकाई है, उतनी ही कैपेसिटी है इसकी आवाज सुनने की, इससे कम या ज्यादा की आवाजें ये नहीं सुन पाता। कल्पना करिए अगर ये सारे शोर सुन पाता बाहर के, तो क्या होता, हम पागल हो जाते। इतनी आवाजें इस ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में कितने तारे बन रहे हैं, टूट रहे हैं, इतना शोर, इतना शोर, इतना हम नहीं सुन पाते, क्यों, क्योंकि हमारे कान की कैपेसिटी नहीं है। अगर हमें अवधि ज्ञान हो जाए तो हम सब कुछ सुन पाएंगे, देख पाएंगे, बिल्कुल। तो ये है ध्वनि। तो हमारे जो ध्वनियां है वो कंपन से पैदा होती है, पुद्गलों के कंपन होते हैं। जैसे विज्ञान कहता है हम बोल रहे हैं तो क्या होता है, कैसे जा रही है, हवा है, हवा के परमाणु कम में कंपन पैदा हो रहा है, और वो एक कंपन दूसरे में शिफ्ट हो रहा है, दूसरा तीसरे, एक-एक परमाणु में ये कंपन शिफ्ट हो रहा है, और ये हवा के माध्यम से हमारी आवाज यहाँ से दूसरी जगह जा रही है। अब मान लीजिए आप मेरी आवाज इस मोबाइल से सुन रहे हैं, या कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर में बोलता है और उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही है, कैसे, लाउड स्पीकर में माइक्रोफोन होता है ना, ये जो ध्वनि हमने क्रिएट की आवाज से अपनी,
वो ध्वनि कहाँ गई? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में एक मैग्नेट लगा रहता है, वो मैग्नेट क्या करता है, हमारी जो ध्वनि है उस मैग्नेट के थ्रू, जो हमारा माइक है उसमें एक डायफ्राम रहता है, वो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे कंपन पैदा होता है, वो कंपन उस डायफ्राम में पहुंचता है, डायफ्राम में कंपन होता है, और पुनः वो जो हमारा माइक है वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक ऊर्जा को वापस साउंड ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, और आवाज क्या होता है, और जोर से बाहर की ओर सुनाई। आप कितनी दूर बैठे हो, आपके इस मोबाइल में क्या है, माइक्रोफोन है। मैंने जो तरंगे आकाश में छोड़ दी बोल के, आकाश से वो तरंगे आपका मोबाइल कैच कर रहा है, क्या है, बाहर तरंगे गई उनको कैच करने की कैपेसिटी उसमें है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी या आपके भीतर जो बैटरी है इसमें कैमरे में, सॉरी आपके मोबाइल में, वो क्या कर रहा है, उसने कैच कर लिया, मोबाइल चल रहा है आपका, वो वापस उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। तो ये ध्वनि का, ध्वनि ही नहीं, जीवन पूरा केवल ऊर्जाओं का परिवर्तन है। और एक सिद्धांत है, ऊर्जा क्या करती है, ऊर्जा पदार्थ में बदलती है, पदार्थ पुनः ऊर्जा में बदलती है। जी हाँ, जो ये शब्द है ये साउंड एनर्जी का संग्रहित रूप है। जैन दर्शन के शब्दों में कहूं तो भाषा वर्गणा के पुद्गल, जिसे हम साउंड एनर्जी से लगभग कंपेयर कर सकते हैं, लगभग, पूरा तो नहीं, क्योंकि जैन दर्शन के भाषा वर्गणा के पुद्गल पूरे लोक में व्याप्त, पूरे लोक में, लेकिन हम जो साइंस जिस भाषा की बात कर रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए माध्यम चाहिए, हवा चाहिए या कोई सॉलिड। आप देखोगे जब ट्रेन आने वाली होती है लोगों को पता नहीं रहता है, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, गांव के लोग पटरी पे कान लगा के सुनते थे क्या ट्रेन आ रही है, तो सॉलिड से और ज्यादा जल्दी साउंड मूव करती है, उनको ट्रेन की सीटी नहीं सुनाई देती थी क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए, लेकिन ट्रेन की पटरी के प्रकंपनों से ही उस ट्रेन की आवाज आ जाती थी और ग्रामीण लोग पता लगा लेते थे ट्रेन आने वाली। तो साउंड को मीडियम चाहिए, वो हवा से भी बह सकती है, पानी से भी और सॉलिड से भी। ये जो हमारे वाद्य यंत्र है, आगे एक जल तरंग होता, जल में प्रकंपन होते थे, आवाज निकलती थी, बांसुरी हवा से होती है, आजकल इलेक्ट्रिक के वाद्य यंत्र चल गए हैं, तो साउंड अनेक तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। अब हमारे शरीर की बात करें, अध्यात्म के लिए तो हमारा शरीर ही माध्यम है, इसी के द्वारा हमें साधना करनी है, इसी के द्वारा हमें ध्वनियां ग्रहण करनी है, उनका अपने ध्यान के लिए उपयोग करना है। तो हम जो म्यूजिक सुनते हैं इसलिए कि ब्रेन शांत हो, एकाग्र, हमारे शरीर में भी नर्व है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी जो नाड़ियां हैं इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट से काम कर, हमारा शरीर की जो मांसपेशियां है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में काम करती है। जी हाँ, वहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो एक चुंबक बन जाता है, जिससे क्या होता है, नर्व के जो संदेश है एक जगह से ब्रेन से नाड़ियों में, नाड़ियों से मांसपेशियों में आते हैं और मांसपेशियां अपना काम करती हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में मांसपेशियां हैं, एक एक अंग में मांसपेशियां है, हमारे ब्रेन स्वयं विद्युत जनरेट करता है, हमारा हार्ट स्वयं विद्युत जनरेट करता है, हमारी आंखें विद्युत जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए जब लाइट एनर्जी आती है वो उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा हमारे ब्रेन में पहुंचती है, नाड़ियों के द्वारा ब्रेन पुनः उन्हें क्या करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो लाइट एक आकार लेती है और हम किसी चीज को देखती है। इसी तरह हम साउंड को ग्रहण करते हैं, हमारी ये साउंड विद्युत में कन्वर्ट होके ब्रेन में जा रही है, ब्रेन में जहाँ साउंड का केंद्र है वहां से पुनः ये साउंड में शब्दों में क्या होती है, वहां कोकलिया, हमारे कान के भीतर एक पार्ट है जिसे कोकलिया कहते हैं, वो कोकलिया क्या करता है, साउंड के संदेशों को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से पहुंची, उसने ग्रहण किया, जब
जब वो कोट ग्रहण कर लेता है कोकिलिया, तो उसमें भरा हुआ है सारा, वो उन संदेशों को भाषा में कन्वर्ट करके हमें बताता है। हमारे ब्रेन में पूरे सिस्टम मौजूद है, एनर्जी को ग्रहण करने के, एनर्जी को कन्वर्ट करने के, और वापस उसे डिलीवर करने के लिए बाहर, हमारा मुंह, हमारा स्वर यंत्र वापस भाषा को बाहर निकाल। तो ये ध्वनि का क्या प्रभाव होता है? ध्वनि के बहुत अधिक कार्य है। वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो अगर शब्द ध्वनि से, आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड कर, बीमारियां जब होती है तो अल्ट्रासाउंड की जाती है हमारे शरीर की। क्यों? ये अल्ट्रासाउंड ध्वनि हम कानों से नहीं सुन सकते, कानों की कैपेसिटी नहीं है। अल्ट्रासाउंड ध्वनि के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में जब टेस्टिंग की जाती है, उस ध्वनि को उस अंग पे डाला जाता है और वापिस वो वहां से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आती है, उस यंत्र तक आती है जिससे अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उससे हम उस पर्टिकुलर अंग की सिचुएशन पता कर सकते हैं कि उसके एनाटॉमी कैसी है, क्या उसका स्वरूप बिगड़ा हुआ है या सही है, उसके भीतर की कोशिकाओं की क्या स्थिति है। ये एक-एक चीज हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता कर लेंगे, और उसकी फोटो वापस हम स्क्रीन पे देख लें अल्ट्रासाउंड। तो इसी तरह सोचिए, ध्वनि हर तरह, ध्वनि ध्वनि के द्वारा क्या करते हैं, समुद्र की गहराई को नापा जाता है अल्ट्रासाउंड। ध्वनि के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कहाँ कोई जहाज डूबा है तो कहाँ है, वो साउंड उस जहाज से जाके टकराती है, वापस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आती है, जिससे पता चलता है कि कोई एक वस्तु समुद्र की गहराई में है जहां से साउंड वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। तो इसी तरह जब हम भी कोई साउंड क्रिएट करते हैं, अगर हम पर्टिकुलर केंद्र, जैसे मैंने कहा कि इस केंद्र पे आप इस मंत्र को करिए, क्या हो रहा है, हमने एक साउंड क्रिएट की उस पर्टिकुलर केंद्र पे। मान लीजिए मैं विशुद्ध केंद्र पे नमो आयरियणम का जप कर रही, मैंने एक केंद्र चुना, पर्टिकुलर स्पे स्थान एक चुना, और मैंने मंत्र का जप किया नमो आयरियणम। ये शब्द थे, इन शब्द से एक वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, वेव, वो वेव ही, मेरा पूरा ध्यान यहाँ है तो वो वेव यहाँ की जगह को प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ का जो अंग है उसे प्रभावित कर रहे हैं, वहां एक अलग ढंग की ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, वो ऊर्जा हमारे परिवर्तन का कारण। जी हाँ, और रंग, रंग भी क्या है, गल है ना, रंगों का भी अपना अपना प्रभाव है, ये किसी अलग दिन हम इस चीज को लेंगे। तो रंग शब्द ये सब मिलके उस स्थान को बदल रहे हैं। यहाँ हमारी थायराइड ग्रंथि है जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो हमारे पूरे शरीर के ऊर्जा तंत्र को नियंत्रित करती है, बिल्कुल करती है। हम खाना खाए वो कैसे शरीर उसको एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, ये सारा थायराइड ग्रंथि के पास है। हमारे शरीर के भीतर की केमिकल ऊर्जा को नियंत्रित करना इस थायराइड ग्रंथि का काम है, और केमिकल ही वो ऊर्जा है जो भविष्य में दूसरी ऊर्जाओं में बदल करके इस शरीर के कार्य को संचालित। तो हम जो ध्वनि के द्वारा इस शरीर को प्रभावित करते हैं, शरीर के द्वारा उस पर्टिकुलर अंग को, उन रसायनों को प्रभावित करते हैं, और जैसे रसायन होते हैं वैसा ही क्या है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वो रसायन हमारे मन को, हमारे भावों को प्रभावित करते हैं, और भावों के अनुरूप हम कर्मों के विपाक का अनुभव करते हैं। सोचिए, जो बात केवल ध्वनि से चली वो कर्मों के विपाक का, ध्वनि से रसायन, रसायनों से मन, मन से भाव, और भाव से कर्मों का विपाक, कर्मों का बंधन, निर्जरा बंध, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ। तो ध्वनि छोटी मोटी चीज नहीं है, अध्यात्म साधना के लिए बहुत बड़ा, ध्यान के लिए सहायक अंग। आज हम ध्यान के पहले महाप्राण ध्वनि करवाते हैं, और हम ध्वनि करवाते हैं क्यों, ताकि हमारे शरीर के भीतर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, या जो विद्युत का प्रवाह है, या जो ब्रेन में वेव्स चल रहे हैं, वो सारे क्या हो जाएं, संतुलित हो जाएं, नियंत्रित हो जाएं, ताकि मन की चंचलता कम हो, भाव अनियंत्रित न हो, और शरीर की स्थिरता सब। शब्द, शब्द जो हम बाहर आप छोड़ रहे हो वो आप ही के चारों तरफ घूम रहे हैं,
और वही शब्द आपको वापिस प्रभावित कर। कितना प्रभाव है शब्दों का। एक व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, भीतर प्रसन्नता फूट जाती है। एक व्यक्ति आपकी निंदा करता है, आप बिल्कुल क्रोध में आ जाते हो, कुंठित हो जाते हो। क्यों? शब्द ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि शब्दों भावों से सीधा सीधा संबंध। शब्द हमारे भीतर भाव पैदा करते। जी हाँ, शब्द सुना एक तरह एक रसायन पैदा हुआ, ऐसा रसायन जो आपको क्या करता है, आपके भीतर अनंत अनंत जन्मों के विचार संस्कार जमे हुए। और वो शब्द क्या करते हैं, उन संस्कारों को, उन विचारों को बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि तो मैंने बोला कान में हमारा एक पार्ट है कोक्लिया, वो केवल बाहरते हैं ध्वनि। कान को नहीं पता इन शब्दों का क्या अर्थ है, बिल्कुल नहीं पता है कान को। लेकिन आपके जो संस्कार है, आपका जो सब कॉन्शियस अवचेतन मन है, उसमें सारे भरे हुए। जैसे ही वो शब्द आए, हमारे ब्रेन ने उनको पहचाना कि ये शब्द हैं, वो शब्द हमारे कहाँ गए, हम बिल्कुल हम आत्मा हैं, आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं, हमें पता चला। क्योंकि तो आत्मा है, इसीलिए हम जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पर हमने इंटरप्रेटेड कर लिया क्या शब्द है, इनका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तुरंत हमने वैसे हमारे भीतर भाव पैदा, और जैसा भाव हुआ वैसा हमने व्यवहार कर। एक व्यक्ति ने प्रशंसा की, उसके लिए हम खुशी से भर गए, कृतज्ञता से भर गए। एक व्यक्ति ने हमारी बुराई की, हम उसके प्रति बुराई से भर गए, क्रोध से भर गए, नकारात्मक भावों से भर गए। तो ध्वनि ध्वनि का संग्रहित रूप है शब्द, और शब्द ही मंत्रों का निर्माण करती है। जी, मंत्र क्या है? मंत्र शब्दों की एक विशिष्ट रचना है, जिनके उच्चारण से, बार बार उच्चारण से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे भाव प्रभावित। और मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे केवल हम स्वयं ही नहीं, उन मंत्रों को हम देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते। बिल्कुल, अगर हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ हो, एकाग्रता हो, जागरूकता हो और नियमितता हो, निरंतरता हो, तो हम मंत्र के द्वारा देवी देवताओं को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत मंत्र ऐसे हैं जिनके अधिष्ठायक देव हैं, देवी हैं। उन मंत्रों का विधि पूर्वक अगर अनुष्ठान किया जाए तो वो देवता प्रसन्न होते हैं और हमें क्या करते हैं, हमारी अध्यात्म यात्रा में भी हमारा सहयोग करते हैं, हमारी मन वांछित इच्छा पूर्ण करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि देवता भक्ति के वशीभूत है, उनकी भक्ति कौन करता है ये इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन भक्ति की है तो उनकी उन्हें बाध्य होना पड़ता है उन्हें वरदान देने के लिए। आपने कई फिल्मों में या ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी कि डाकू भी जब डाका डालने जाते हैं तो एक देवी का या किसी भी एक इष्ट का मंत्र जप करके, उनकी शरण स्वीकार करके जाते हैं, ताकि उन्हें अपने कार्य में सफलता मिले। और देवी देवताओं को भक्ति के भूखे हैं, उन्हें बाध्य होकर उन्हें वरदान देना ही होता है। शिव जी के तो अनेक अनेक किस्से कहानियां हैं कि उन्हें राक्षसों को प्रसन्न होकर वरदान दिया, उन राक्षसों ने ऐसी वो धरती पे उपद्रव फैलाए। लेकिन क्या है, हर एक बुराई का अंत निश्चित है, तो उसका भी फिर तोड़ होता है, और वो वरदान स्वयं उनको ही फिर नष्ट कर देता है। लेकिन ऐसे ऐसे अनिष्ट वरदान लिए हैं राक्षसों ने। ये कहानियां है, ये संकेत है कि लौकिक कार्य कितना ही आप करिए सुख नहीं। आप अगर आत्म कल्याण के लिए करते हो तो शिव पुराण में ध्यान की अनेक विधियां बताई। शिव और शक्ति का बहुत सुंदर वर्णन है शिव पुराण में, कि किस तरह हम इस लोक से मुक्त होकर अपने अनंत सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो मंत्र मंत्र शब्दों का ही, मान लिया मैंने केवल शब्द ही है, क्या है? अब मंत्र भी कई प्रकार के हैं। कुछ मंत्र केवल एक शब्द है, जैसे ओम,
वम लम रम ये केवल शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन इनके उच्चारण से हम अपने शरीर के विभिन्न चैतन्य केंद्रों पे, चक्रों पे, अगर इन बीज मंत्रों का जप करते हैं तो हमारे भीतर एक अलग ढंग की क्या होती है, तरंगे उत्पन्न। वो तरंगे हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रभावित करती है और हमें उनका लाभ मिलता है। ओम के विषय में कुछ विशेष बातें हैं। ओम को अनाहत नाद कहा गया है। अनाहत, अभी मैंने कहा कि टकराहट से ध्वनि पैदा होती है, प्रकंपन से ध्वनि पैदा होती है ना, बिल्कुल विज्ञान भी यही कहता है, यही सच्चाई है व्यवहारिक। लेकिन ओम एक ऐसी ध्वनि है जो किसी घर्षण से या टकराहट से पैदा नहीं होती, वो स्वभाव से प्रकृति में। भगवान महावीर ने कहा ये लोक प्रतिक्षण प्रकंपित हो रहा है, कोई कारण नहीं। क्यों? क्योंकि उद्गल का स्वभाव है परिणमन, निरंतर परिणमन, बदलना, प्रतिक्षण परिणमन हो रहा है उद्गलों का, और उद्गलों की अपेक्षा से अन्य जो द्रव्य है, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय, सबका परिणमन हो रहा है, हमारी आत्मा के प्रदेशों का। बिल्कुल कंटिन्यू हम देख रहे हैं, शरीर को तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से अनित्य है, निरंतर परिणमन कर रहा है। इसी तरह इस लोक में भी, एक पूरे लोक में कोई एक ऐसा स्थान नहीं जहां जो 6 द्रव्य बताए गए हैं वो न, धर्म अधर्म आकाश काल आत्मा और जीव और खुद। लोक के बाहर केवल आकाश है, लेकिन लोक के भीतर 6 के 6 द्रव्य है और प्रतिक्षण प्रकंपित हो, प्रतिक्षण प्रकंपित हो। तो ये जो ओम का नाद है, ये अनाहत नाद, आज हम इसकी अनुभूति भी करेंगे कि किस तरह से ओम के लिए हमने, हमें अपने होठों का या दांतों का या जीभ का कोई इस्तेमाल नहीं करना, वो ध्वनि स्वतः ही निकल रही है। और अगर एकाग्रता के साथ ओम का जप किया जाए तो आपको अनुभव होगा कि हम बिल्कुल बाहर के ब्रह्मांड से जुड़ गए, बाहर भीतर केवल ओम का ही नाद चल, अकारण, बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के, स्वतः ये ओम ब्रह्मांड में गूंज। अगर प्रेक्षा ध्यान की बात करूं तो प्रेक्षा ध्यान में महाप्राण ध्वनि करवाई जाती है, क्या है वो, साइलेंट ओम ही है। आपने शब्द ओम नहीं किया लेकिन ये भी एक अनाहत नाद ही है महाप्राण ध्वनि। कुछ नहीं करते हो आप, करते हो ना, जीभ हिल रही है ना होठ, केवल कंठ से ये ध्वनि निकल। प्रेक्षा ध्यान में अरहम का महत्व बताया गया, क्यों मंत्रों का महत्व है, मंत्र के अनेक लाभ। मंत्र उच्चारण के द्वारा आप अपने बाहर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हटा सकते हो और सकारात्मक ऊर्जा का एक कवच बना सकते हो। मंत्र के द्वारा आप अगर गहरी संकल्प शक्ति है, एकाग्रता है, जागरूकता है, तो ये जो आपने उच्चारण किया मंत्र का, ये दूर दूर तक चला गया। और शाब्दिक मंत्र से कहीं अधिक मंत्र है मौन जपा जप जिसको कहते हैं, केवल मानसिक जप चले, मानसिक जप, केवल हम जपमय हो गए, बाकी सारी बातें कुछ पता ही नहीं हमें, केवल बस चल रहे हैं अजपा जप, अरहम अरहम मानसिक। तो ये जो अजपा जप है इसमें और अधिक शक्ति है, ये और अधिक दूर तक जाता है। शब्दों के द्वारा हम एक पर्टिकुलर दूरी तक ही अपने कवच का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अजपा जप अगर मानसिक जप करते हैं तो अनेक अनेक कोसों तक हम अपने इसको क्या कर सकते हैं, अपने आभा मंडल को, अपने इस कवच का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान में क्या महत्व है, ध्यान में मंत्र जप के द्वारा हम अपने चारों तरफ कवच का निर्माण कर लेते ताकि नकारात्मक शक्तियां हमें प्रभावित न कर सके और हम अंतर जगत में प्रवेश कर सको। आपको अगर किसी ने कभी किसी तांत्रिक से अगर आपका
संबंध जुड़ा होगा या आपने कभी बात की होगी, तो प्रत्येक तांत्रिक जब तंत्र मंत्र की साधना करता है अपने चारों ओर पहले कवच का निर्माण, क्योंकि वो भूत प्रेत से की आत्माओं को बुलाते हैं अपने पास, उनको अपने वश में करते हैं, तो पहले अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच का निर्माण करते ताकि वो आत्माएं उन्हें अनिष्ट न कर सके। फिर वो उन्हें अपने वश में करते हैं और उनसे अपना काम करते। आज प्राणिक हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग मैंने एक बार किया था अभ्यास में, तब वो भी अगर किसी की हील किसी को हील कर रहे हैं तो पहले अपने चारों तरफ एक कवच का निर्माण करते हैं ताकि जब वो हीलिंग करे तो अगर सामने वाले की ऊर्जा नकारात्मक है तो वो ऊर्जा उनका अनिष्ट न करे। तो मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है, मंत्रों से सिद्धि प्राप्त की जा सकती, अनेक सिद्धियां भरा पड़े हैं हमारे साहित्य, चाहे जैन साहित्य लो या दूसरे धर्मों के साहित्य, मंत्रों के द्वारा कैसे सिद्धियां प्राप्त की जाती है भरा पड़े। लेकिन जैन धर्म सिद्धियां प्राप्त करिए लेकिन उन सिद्धियों का लौकिक प्रयोग करने के लिए हमें मना करता है, क्योंकि जैन दर्शन का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष, इस संसार को छोड़ना, वीतराग हो जाना। तो प्रेक्षा ध्यान का भी क्या लक्ष्य है? चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि यानी आत्मा को शुद्ध, आत्मा को शुद्ध स्वरूप में लाना। हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, और यही हमें चाहिए। हमारे किसी भी कार्य के पीछे यही तीन लक्ष्य है, ज्ञान, शक्ति और आनंद को प्राप्त। तो चित्त शुद्धि के द्वारा ये स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाए। तो आइए आज हम ओम का अनुभव करेंगे कि किस प्रकार ओम एक अनहत नाद, एक मंत्र है जिससे हम बाहर की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं और हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही विसर्जित हो जाए। तो चलिए सब अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर ले, श्वास की गति को मंद, ऊर्जा को ग्रहण करने का सबसे सशक्त माध्यम है श्वास। तो श्वास लंबा और लयबद्ध रिदमेटिक होना चाहिए। श्वास रिदमेटिक होने से हमारे भीतर का जो प्राण का फ्लो है वो रिदमेटिक होगा, और रिदमेटिक जब होंगे तब हम बाहर जो रिदम चल रही है ब्रह्मांड में उस रिदम से जुड़ पाएंगे। उस लय को अपनी लय से मिला लेना है, अपने भीतर ऊर्जा को ग्रहण करना, खुद को शक्ति से संपन्न करना है। बिना शक्ति के कुछ संभव नहीं। शक्ति दो तरह की है, पौद्गलिक शक्ति और ज्ञान की शक्ति। दोनों शक्तियां हमारे लिए अपेक्षित, दोनों शक्तियों के समन्वय से ही अध्यात्म साधना की गहराई संभव। तो आइए आज हम इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं ओम के मंत्र के द्वारा, और हम क्यों श्वास को लयबद्ध और समताल करें, अपने भीतर के रिदम को सही करें। जैसे जैसे श्वास सही होगा भीतर की सारी जैविक क्रियाएं स्वतः ही संतुलित होना शुरू हो जाएगी, चाहे मस्तिष्क की क्रियाएं हैं, चाहे भीतर दूसरे अंगों की क्रियाएं, चाहे हृदय की गति है, मस्तिष्क की गति है, अन्य अंगों की गति है, श्वास की मंदता के साथ धीरे धीरे सभी शिथिल हो जाए, संतुलित हो जाएंगे। अनुभव करें पूरा शरीर धीरे धीरे सहज स्थिति में जा रहा है, बिल्कुल सहज हो जाए। कहीं भी किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा न शरीर में, न मन में, न भाव में, बिल्कुल सहज और निश्चल, बिल्कुल सहज और निश्चल, निश्चल, निश्चल।
महाप्राण ध्वनि एक सशक्त माध्यम है बाहर से प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने का, साथ ही साथ अपने भीतर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ब्रेन वेव्स यानी ब्रेन में चलने वाली तरंगों को सहज करने का, संतुलित करने का। महाप्राण ध्वनि से विशेष रूप से मस्तिष्क में प्रकंपन पैदा होते हैं। मस्तिष्क का एक एक न्यूरॉन, एक एक कोशिका जागृत होती है, संतुलित होती है। ब्रेन हमारा कमांडर है, हमारे पूरे शरीर को, शरीर की क्रियाओं को कमांड करता है, निर्देश देता है। तो महाप्राण ध्वनि से हम अपने मस्तिष्क को एकाग्र करेंगे, जागरूक करेंगे, ताकि हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को जो निर्देश दे वो बिल्कुल हमारे शरीर के पक्ष में हो, हमारे शरीर को सहज, शिथिल और संतुलित करने वाला है। प्रत्येक श्वास लेते समय अनुभव करेंगे बाहर से प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करे। श्वास छोड़ते हुए आप महाप्राण ध्वनि करेंगे और अपने चित्त को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ले जाएंगे। हमारे प्राण की मुख्य धारा है सुषुम्ना। इसमें अगर हम प्राण ऊर्जा को सक्रिय कर लेते तो ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती। तो सर्वप्रथम आप श्वास भरेंगे, धीरे धीरे सुषुम्ना के मार्ग से नीचे जाते हुए चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे, साथ ही साथ आपका चित्त आपकी सुषुम्ना के भीतर यात्रा करेगा शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र। श्वास भरेंगे, श्वास के साथ साथ चित्त को अनुभव करें, प्राण ऊर्जा ज्ञान केंद्र से बिल्कुल नीचे सुषुम्ना से होते हुए शक्ति केंद्र पे चली गई। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें यही ऊर्जा पुनः सारे चैतन्य केंद्रों को जो सुषुम्ना के भीतर है जागृत करते हुए ऊपर की ओर ज्ञान केंद्र पे आ रहे। जैसे जैसे चेतना जागृत होना यानी प्राण शक्ति का जागृत। चलिए आंखें बंद, अपने प्रति पूर्ण जागरूक और सजग, शरीर स्थिर रहे। जितनी जितनी स्थिरता सधेगी उतना ही आपका अनुभव और गहरा होगा। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला ढीला ढीला, बिल्कुल सहज स्थिति, कहीं कोई खिंचाव अकड़न जकड़न न हो। शरीर गर्दन सीधी रहे, पूरा सुषुम्ना का मार्ग बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से लेकर सिर की चोटी के स्थान। श्वास की गति मंद मंद मंद। हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा में स्थापित हो। धीरे धीरे श्वास भरे, अनुभव करें ज्ञान केंद्र से नीचे शक्ति केंद्र की ओर प्राण धारा बहने। श्वास छोड़े, महाप्राण ध्वनि चित्त को धीरे धीरे शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर ले जाए। भरे श्वास, धीरे नीचे और नीचे ले जाएं। भरे श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करें, चित्त धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है सुषुम्ना से, ऊपर 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 ऊपर। भरे श्वास, ऊपर से नीचे तक पूरा खींच लें शक्ति केंद्र पर।
छोड़े हैं महाप्राण ध्वनि। इसी प्रक्रिया को पूरी जागरूकता से दोहराएं। पूरी जागरूकता बनी रहे, सुषुम्ना में प्रकंपनों को अनुभव करें। बेहतर अनुभव के लिए श्वास छोड़ते हुए मूल बंद लगाएं, श्वास भरते समय मूल बंद को खोल लें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता रहे। पूरी तन्मयता, लयबद्धता, श्वास, प्राण, ध्वनि, प्राण की शक्ति जागृत हो रही, प्राण पुष्ट हो रहे हैं। अब हम महाप्राण ध्वनि के प्रयोग को सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ करेंगे। अपनी इंद्रियों के द्वार बंद करें, दोनों अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, उंगलियां आंखों पर, नासागर के दोनों तरफ और दो उंगलियां होंठ के ऊपर और नीचे। श्वास भरें, महाप्राण ध्वनि करते हुए पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशंस का अनुभव करना। भरे श्वास, महाप्राण ध्वनि। भरे श्वास, ध्वनि। भरे श्वास, ध्वनि। रिलैक्स। ओम का जप करेंगे। ओ 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
सभी ध्यान दें, अपने होठों को हल्का सा मुंह को खुला रखें, ओम की ध्वनि के समय पूरे जागरूक रहें, न होठ हिले न जीभ हिले, जीभ में कोई प्रकंपन नहीं, होठों पर कोई प्रकंपन नहीं, पूरी जागरूकता से ओम की ध्वनि करेंगे। हल्का सा मुंह खुला रहे, जीभ स्थिर रहे, ओम का जप चलता रहे, केवल कंठ में ओम का वाइब्रेशंस फील करेंगे, न होठ हिलेंगे न जीभ। इसी तरह बिना जीभ और होठों को हिलाए हुए अरहम का जप करें। अपने होठों को बंद करें और हम का मानसिक जप करें, अनुभव करें और हम का एक शब्द बाहर आपके चारों ओर कवच का निर्माण कर रहा है, केवल मानसिक जप। केवल मानसिक जप चलो, पूरी एकाग्रता और तन्मयता अपने चारों अरहम का कवच बनाए। अपने भीतर अरहम का नाद सुने, शरीर के भीतर कण कण में अरहम गूंज रहा, अरहम अरहम, पैर से लेकर सिर तक
शरीर के एक-एक अवयव पर चित्त को ले जाएं और हमको अंकित करें। दाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, हर हम हर हम हर हम, एक-एक अवयव शरीर देखते जाएं और हमको अंकित करते चले जाएं। हर हम 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 हर हर हम 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 प्रत्येक अवयव पर हर हम हर हम हर हम हर हम। शरीर का एक एक आत्म प्रदेश हर हम हर हम हर हम। अनुभव करें शरीर के कण कण में शक्ति जागृत हो गई, चैतन्य जागृत हो गया। पर हम सोहम, मैं अर्हत स्वरूप हूं, अर्हत जिनकी समस्त शक्तियां समस्त क्षमताएं जागृत हो जाए वही अर्हत है। अरहम सोहम, मैं अर्हत स्वरूप हूं, मेरे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद। अपने अर्हत स्वरूप का अनुभव करें। चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव, आत्मिक संतोष और प्रसन्नता। मैं अर्हत स्वरूप हूँ, मुझ में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद। अपने स्वरूप में डूब जा, अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास लें, पूरे शरीर में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। कण कण में चैतन्य जागृत हो गया, कण कण को प्राणवान अनुभव करें। धीरे धीरे सहज स्थिति में लौट आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी श्रद्धा और तन्मयता से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। उन महान आत्माओं का जिनकी समस्त शक्तियां जागृत हो चुकी हैं या जो उस पथ पर अग्रसर हो गए हैं कि वो अरहत स्वरूप बन जाए, उस धर्म का शरण जो मार्ग है, इस
आत्म जागरण, पूरी तन्मयता और श्रद्धा। अर्हन्ते शरणं पवज्जानि, सिद्धे शरणं पवज्जानि, साहू शरणं पवज्जानि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। तीन बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम्, वंदे सत्यम्, वंदे सत्यम्। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे शक्ति और आनंद से भरे हुए प्रसन्नता के मुद्रा में आंखें खोलें। ओम हरम, ओम हरम, ओम। आज हमने ध्वनि के बारे में जाना, थोड़ा मंत्रों के बारे में जाना। अगली क्लास में फिर हम थोड़ी मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेक्षा ध्यान में जिन मंत्रों का उपयोग किया गया है, ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने स्वयं अनेक मंत्रों के बारे में बताया है, तो कुछ मंत्रों के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। ओम ओम अरहम कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को? ध्यान करने के बाद, मंत्रों के उच्चारण करने के बाद आप अपने अनुभव भी साझा करें, और कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो। आप एंड्राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस चंदा जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। चंदा जी के बाद सुचेता जी। सभी से जय जिनेन्द्र। मंजू जी, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। पर आपने जब बोला कि अरहम और ओम बोलते समय मैं, मतलब होंठ नहीं हिलने चाहिए, पर अपन जब पीछे मैं का उच्चारण करते हैं तो होंठ हिलते हैं। वो अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है। आज सुबह ही मैंने खुद किया। मतलब ये हाँ बात मैंने आज ही अनुभव की, तो मैं बोले चलो आज मंत्री क्लास में से शेयर करना चाहूंगी। किस किस का हुआ इस तरह से, मुझे हाथ खड़ा करके बताएंगे कि बिना होठ और जीभ हिले ओम का मंत्र का जप हुआ। जय इसका भी अपना हाथ ऐसे दिखाए मुझे। जिनेन्द्र। मंजू जी, पहले दो बार जब भी किया तो नहीं हुआ, वही मैं क्वेश्चन पूछ, बाद में तीसरी बार थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद हो गया, बाद में होठ इफेक्ट नहीं, थोड़े लेकिन से हो रहे थे लेकिन इसका खुले भीतर खुले। सजेगी ना, मन की चंचलता जब कम होगी ना तब ये काम होगा। वही तो मेरा भी क्वेश्चन था कि बाद में तो नहीं हुए, दो बार तो हो गए, होठ म के हाँ समय हाँ हो गए, लेकिन तीसरी बार नहीं हुए। तीसरी बार थोड़ा सा हमने प्रयत्न किया, उसको तो जागरूकता से किया, नहीं हुआ। बहुत सुंदर मंदिर बहुत आपका कहना, तो शब्द सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। अशोक जी। जय जिनेंद्र, आज का प्रयोग बहुत ही अच्छा था। उसमें एक नए जानने को मिला कि अपने महाप्राण ध्वनि को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की, अपने अंतर यात्रा की प्रेक्षा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और एक मंत्र और ध्वनि के में शंखनाद और घंटनाद होता है, उसके बारे में भी कुछ बता सकते? नहीं, इसको मैंने अभी ने अनुभव भी नहीं किया है। बिल्कुल शंख मैं बजाती डेली हूँ, शंख, ये बात सही है, लेकिन मैंने उसके बारे में भी बहुत कुछ नहीं जाना। लेकिन बिल्कुल शंख की भी ध्वनि अलग अलग होती है। आप ये मत सोचिए कि सब शंख बजा रहे हैं तो नहीं। शंख, मैंने एक चीज अनुभव किया शंख बजाते हुए, अगर आपके भीतर एकाग्रता नहीं है ना तो आप शंख बजा नहीं नहीं पाओगे। बजा पाएंगे बिल्कुल। लंबा श्वास चाहिए शंख को बजाने के लिए, पूरी प्राण ऊर्जा चाहिए। और मैंने जब घंटी भी बजाती हूँ तो मैंने अनुभव किया, अगर आप घंटी बजा रहे हो, मन अगर शांत नहीं है, आप घंटी को स्मूथली नहीं बजा पाओ, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। कि अगर आप पूजा कर रहे हो और मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, आपकी घंटी बजेगी नहीं स्मूथली, बिल्कुल नहीं बजेगी, आप गा ही नहीं पाओगे यार। ये चीज मैंने अनुभव की है, एकाग्रता तो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। तो घंटी और शंख, ये दो तभी बज सकते हैं जब भीतर में शांत होंगे। स्थिरता हो, चंचलता नहीं। अदरवाइज शंख फूंक नहीं पाओगे, घंटी स्मूथली बजा नहीं पाओगे आपसे, क्योंकि हाथ के साथ। अनिल जी,
या मंजू जी, जय जय जिनेन्द्र। हाइपोथैलेमस का ध्वनि से कुछ संबंध है क्या? हाइपोथैलेमस का हाइपोथैलेमस का हमारे शांति केंद्र से संबंध है। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्रेन यानी जो एंडोक्राइन यानी जो हमारा ग्रंथि तंत्र है और हमारा नाड़ी तंत्र है उन दोनों से जुड़ा हुआ है। ये दोनों को जोड़ता है आपस में। हमारे भीतर अगर कोई भी भाव कोई भी चीज आती है वो सबसे पहले हाइपोथैलेमस करता है। जब हाइपोथैलेमस एग्जैक्ट एक ही समय में दोनों को निर्देश भेजता है हमारे नाड़ी तंत्र को भी और हमारे ग्रंथि तंत्र को कि ये चीज आई है इसको दोनों को कैसे कोरिलेट करके काम करना। तो हाइपोथैलेमस हमारे जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ना उसके साथ जुड़ा हुआ। जब भी देखिए इधर क्रोध आता है उधर श्वास की गति बढ़ जाती है। ज्यादा क्रोध करते हैं भूख बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल हमारी एक्टिविटीज है वो सारी हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी डायरेक्ट तरह से। इनडायरेक्ट ब्रेन भी उनपे कमांड करता है लेकिन वैसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से है। और इधर भाव हमारी ग्रंथियों से है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथियों को भी संदेश देता है पर हाइपोथैलेमस ब्रेन को भी संदेश देता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा उसको भी। इस तरह से हाइपोथैलेमस हमारा हृदय है जिसको मैं अध्यात्म की भाषा में हमारा हार्ट कौन सा है हृदय क्या है हाइपोथैलेमस और विज्ञान की भाषा में जो हमारा ये हार्ड मास वाला हार्ट है वो हृदय। थैंक यू बिल्कुल थैंक यू बहुत अच्छा जय मंजू जी। जब हम ध्वनि करते हैं तो ध्वनि करते हैं तो ध्वनि के प्रकंपन हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं, तो वहां जो हमारे प्रकंपन न्यूरॉन्स एक पैदा होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, और ये जो महाप्राण ध्वनि है इसके प्रकंपन हमें 3 जगह महसूस होते हैं। 3 जगह होते हैं, एक तो हमारे फेफड़ों में होता है, दूसरा कंठ पे होता है, और तीसरा सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क में होता है। 3 जगह प्रकंपन पैदा होता है। यस एक बात और कहना चाहूंगी अगर महाप्राण ध्वनि का एक प्रयोग ही हम गहरा करते हैं तो पूरा नाभि तक आपको प्रकंपन महसूस हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल क्योंकि एक तो स्थिरता चाहिए कि तो पूरा जो हमारा मैं जैसे सुषुम्ना की बात कही तो रीढ़ की हड्डी के निचले छोर यानी पूरी सुषुम्ना एक महाप्राण ध्वनि से प्रभावित हो सके। अनिल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते। जय जिनेंद्र, मेरे मेरा पूछना था कि बीज मंत्रों की उत्पत्ति की रचना किसने की थी और ये इसकी उपयोगिता क्या है? किसकी किसकी बीज मंत्रों रचना? की मंग रंग लांग। देखिए अगर मैं ये बात कहूँ रचना किसने की ये मैं नहीं बता पाऊंगी लेकिन बीज जो मंत्र है वो वैदिक जो दर्शन है जिसको लोग कहते भाई हम वो अनादि काल से जैसे हम अपने जैन धर्म को अनादि मानते हैं वो भी उसे अनादि मानते हैं। लेकिन जहां तक ग्रंथों का सवाल है तो वैदिक दर्शनों में बीज मंत्रों का बहुत अधिक प्रयोग बताया गया है। और मूल मैं कहूंगी तो जैन दर्शनों में नहीं वैदिक दर्शनों में मंत्रों का बीज मंत्रों का बहुत कुछ हमें मिलता है तो हम उन्हें आधार बना सकते हैं मंत्रों के। क्योंकि जैन दर्शन तो बहुत कुछ लुप्त हो गया हमारे पास साहित्य हमारा विपुल साहित्य तो लुप्त ही हो गया। हम तो कहते हैं जो हमारे जो 14 पूर्व थे संपूर्ण ज्ञान था उनमें लेकिन हमारे पास तो एक पूर्व ही नहीं तो हम किसकी बात करें। तो हमारे वर्तमान में हमारे पास वैदिक साहित्य है उसमें हमें मंत्रों का मिले। और हम समापन की ओर चले, समय संपन्न हो रहा है हमारा। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय आनंदमय हूँ, हूँ, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ, शांतिमय हूँ, मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। इसका उसका साक्षात साक्षात्कार करना करना ही ही मेरे मेरे जीवन जीवन का का परम परम लक्ष्य लक्ष्य है। हमारा ओम आज का मंगलमय दिन मंगलमय हो, हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इसी शांतिमय हो, भावनाओं के इसी साथ भावना के साथ में ओम ओम शांत शांति शांत शांति शांत। शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी, के कृतज्ञोस्मि प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी। के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी ओम अरहम। अशोक जी हैं। ओम नमः स्लोगन। ओम नमः। जय जिनेन्द्र,
सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज एक घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज, फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज। हर रोज। ओम आराम। आप 1.5 घंटा करवा रहे हो भाई साहब। सैटरडे को थैंक यू तो थैंक यू रात को वेरी एक और मच, घंटा हो जाता है। थैंक यू ओम बहुत आनंद आ रहा है। आराम।